कानपुर से 50 किलोमीटर भीतर गांव ब्लॉक के बहटा बुजुर्ग गांव का जगन्नाथ मंदिर अनेक रहस्य समेटे है। विशेष धार्मिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों से परिपूर्ण यह मंदिर 21वीं सदी के विज्ञान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल की टपकती बूंदों की तरह इस मंदिर से टपकने वाली बूंदों में भी कई रहस्य छिपे हैं। उड़ीसा शैली के जगन्नाथ मंदिरों में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके अग्रज बलदाऊ और बहन सुभद्रा की प्रतिमाएं होती हैं, किंतु भीतरगांव का यह मंदिर इससे अलग है। यहाँ काले पत्थर से बनी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के साथ केवल उनके अग्रज बलराम की ही छोटी प्रतिमा है। उसके पीछे पत्थरों पर भगवान के दशावतार उकेरे गए हैं। इन दशावतारों में महात्मा बुद्ध के स्थान पर बलराम का चित्र उकेरा गया है। जगन्नाथ मंदिर में टपकने वाली पानी की बूंदों का रहस्य अनोखा है। भीषण गर्मी में गुबंद की शिलाओं से इन बूंदों का टपकना और बरसात आते ही सूख जाना किसी आश्चर्य से कम नहीं। 15 दिन पहले ही मंदिर में टपकने वाली पानी की बूंदों का टपकना मानसून आने का संकेत देता है। बुजुर्गों की माने तो इन बूंदों का आकार बताता है कि मानसून अच्छा रहेगा या कमजोर। बीते सैकड़ों वर्षों से लोग इस मंदिर की बूंदों से ही मानसून का आकलन करके फसल की बुवाई की तैयारी करते हैं।